अस्सलाम वालेकुम, पीएनसी हब की कैरियर गाइडेंस वीडियो सीरीज के एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ राजा। इस वीडियो में हम इंटर प्री मेडिकल के बाद जो डिफरेंट फील्ड ऑप्शंस हैं इनके बारे में और इनके स्कोप के हवाले से डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट जो मेडिकल से करते हैं इनके जहन में सिर्फ ये होता है कि इन्हें आगे डॉक्टर बनना है, इसके अलावा इनको किसी और फील्ड का पता नहीं होता। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो सिंध में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स एमबीबीएस पीडीएस का टेस्ट देते हैं, जबकि एमबीबीएस पीडीएस में सीट्स की तादाद बहुत ही कम होती है। इसलिए इन हजारों की तादाद में से सिर्फ 10 से 12 फीसद स्टूडेंट्स ही एमबीबीएस पीडीएस में एडमिशन ले पाते हैं। एमबीबीएस पीडीएस का अपना स्कोप है जिसके करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मुंसलिक हो सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं। हम आपको इंशाल्लाह आगे इस वीडियो में इंटर प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस बीडीएस के अलावा आप कौन कौन सी फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं और उनका स्कोप क्या है इसको डिटेल में बताएंगे। एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा जो अहम फील्ड्स अवेलेबल हैं इनमें सर फैरस, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सेल एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, अपना मेडिकल रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब कर सकते हैं, अपना प्राइवेट सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स टीम की फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे जॉब कर सकते हैं। बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जॉब कर सकते हैं या किसी भी क्लिनिकल लेबोरेटरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, इसके करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज, लेबोरेटरीज या फूड इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएस इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस फील्ड की फूड इंडस्ट्रीज में बहुत डिमांड है, इसको करने के बाद आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर वगैरह के तौर पे जॉब कर सकते हैं। बीएस रेडियोलॉजी, इसके करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं या फिर अपना प्राइवेट सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इस फील्ड का स्कोप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसके करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीएस न्यूट्रिशनल साइंसेस, इसके करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे जॉब कर सकते हैं या किसी भी चैनल पे आप अपना शो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बीएस माइक्रोबायोलॉजी, इस फील्ड की डिमांड हॉस्पिटल, क्लिनिकल लेबोरेटरीज और टीचिंग साइट पर बहुत है। बीबीए, अगर आपका इंटरेस्ट इन सब में से किसी भी फील्ड में नहीं है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है, जिसके बाद आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ ही फील्ड्स का जिक्र किया है जो कि मेरे लिहाज से ज़रूरी था बताना स्टूडेंट्स को। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड को चूज़ करें, अगर इसका इंटरेस्ट आप में है तो इस फील्ड में आप खुद ही जगह बना लेते हैं, तो स्कोप के पीछे भागने से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट उस फील्ड में ज़रूर देखें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंटर प्री इंजीनियरिंग के बाद जो डिफरेंट फील्ड ऑप्शंस मौजूद हैं इनको डिस्कस करेंगे। मज़ीद आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।